हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दिस इज सदाम हुसैन। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि करंट अफेयर्स के पेपर को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सोर्सेज कौन से होने चाहिए और हम अपनी तैयारी स्टार्ट कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके पास करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक हो तो उसको 360 डिग्रीज में, 360 पर्सपेक्टिव में किस तरह से टैकल किया जाए। आज की इस क्लास में हम अफगान इशू टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी आपके पास टॉपिक हो, बीट अफगान इशू, इंडो पैसिफिक रीजन और एनी अदर टॉपिक, तो उसको करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव में किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। डेफिनेटली अगर हमें डायमेंशंस का पता नहीं होगा तो अगर हम टॉपिक तैयार भी कर लेते हैं लेकिन उसमें कोई एक आधा डायमेंशन हमारा रह गया तो फिर इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आज हम यही सीखेंगे कि 360 पर्सपेक्टिव में सारे डायमेंशंस को कैसे कवर किया जाए। तो इसको सीखने के लिए हमारे पास आज जो टॉपिक है दैट इज़ अफगान इशू। अफगान इशू की जगह पे कोई भी और टॉपिक हो सकता है, पाक यूएस रिलेशंस हो सकता है, यहाँ पे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स टॉपिक हो सकता है, पाकिस्तान एंड इट्स रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज ये टॉपिक हो सकता है, या फिर वॉर ऑन टेरर ये खुद एक टॉपिक हो सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कोई भी डायमेंशन हो, कोई भी टॉपिक हो तो उसको 360 में किस तरह से कवर करें, आज हम यही सीखने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने जो टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ अफगान इशू। अब अफगान इशू को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे डायमेंशन जिसकी मौजूद हैं। आप करंट अफेयर्स के हवाले से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम अफगान इशू को 2000 ऑनवर्ड्स स्टडी करेंगे, मतलब के 2001 ऑनवर्ड्स वॉर ऑन टेरर के बाद का अफगान इशू हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सोवियत टाइम्स, जो सोवियत इन्वेजन हुआ था उस टाइम से हम अफगान इशू को ट्रेस नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप इसको वहाँ से ट्रेस करके स्टार्ट करके कर रहे हैं और वहाँ से पढ़ना चाहें तो तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अफगान इशू के कौन से डायमेंशंस हैं और कौन कौन सी डायमेंशंस बन सकती हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसकी कितनी डायमेंशंस हैं और हर टॉपिक की कितनी डायमेंशंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। द टॉपिक इज़ अफगान इशू। अफगान इशू को हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे द US वॉर इन अफगानिस्तान। इट विल बी आवर फर्स्ट डायमेंशन। ये हमारी पहली डायमेंशन है अफगान इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको समझने के लिए हमने जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है द US वॉर इन अफगानिस्तान से, मतलब के वॉर ऑन टेरर से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वॉर ऑन टेरर में क्या हुआ, व्हाट इज़ वॉर ऑन टेरर, इसकी डेफिनेशन क्या है, वॉर ऑन टेरर स्टार्ट क्यों हुई, क्या ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, ग्लोबल टेररिज्म, या फिर इसकी कोई और डेफिनेशन है। वॉर ऑन टेरर मेयरली टेररिज्म को ख़त्म करना ये डेफिनेशन नहीं है, रादर इट इज़ रिगार्डिंग रिजीम चेंज। ये एक लंबा टॉपिक है वॉर ऑन टेरर, जिस पे खुद से एक अलग से टॉपिक हम तैयार कर सकते हैं, इस पे 1.5-2 घंटे का लेक्चर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम जो समझ रहे हैं वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि आपके पास कोई भी टॉपिक हो तो उसको 360 में हर एंगल को कैसे कवर किया जा सकता है। तो पहली जो डायमेंशन होगी हमारे पास दैट विल बी द US वॉर इन अफगानिस्तान। 2001 से आप स्टार्ट करेंगे 2021 तक, 22 तक, मतलब के पोस्ट विदड्रॉल तक आप इस डायमेंशन को पढ़ेंगे। व्हाई यूएसए स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, इसके कॉजेज क्या थे, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आउटकम क्या आया हमारे पास, उसके बाद फिर हम सेकेंड स्टेप पे मूव करेंगे। तो पहली डायमेंशन आपके पास है द US वॉर इन अफगानिस्तान। आपके पास कोई भी डायमेंशन हो या फिर कोई भी टॉपिक हो तो हमेशा उसको हम जो अंडरस्टैंड करते हैं वो, या फिर प्रिपेयर करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। कॉज हम स्टडी करते हैं, कॉजेज को स्टडी करते हैं, उसका इम्पैक्ट देखते हैं और उसके सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कोई भी टॉपिक को आपके पास कॉज इम्पैक्ट सॉल्यूशन आपने लाजमी प्रिपेयर करने होते हैं। अब कॉजेज को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेज में, इसी तरह से इम्पैक्ट को भी आप सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल इन डायमेंशन में आप डिस्कस कर सकते हैं। सॉल्यूशंस को हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं, शॉर्ट टर्म इमीडिएट सॉल्यूशंस हमारे पास क्या हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो इस तरह से हम डायमेंशंस को, इस तरह से टॉपिक्स को हम डिफरेंट डायमेंशंस में बना के प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो पहला डायमेंशन हमारे पास कौन सा है, द US वॉर इन अफगानिस्तान। ये पहली डायमेंशन है अफगान इशू टॉपिक से रिलेटेड। सेकेंड डायमेंशन विल बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशंस। इंटरनल डायमेंशंस में क्या डिस्कस किया जाएगा, इंटरनल डायमेंशंस में आप डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान के ओवरऑल इंटरनल इश्यूज को,
मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ पे कौन से वॉर लॉर्ड्स मौजूद हैं, क्या अलकायदा और तालिबान के बीच में नेक्सस है, नेक्सस था तो कब था, किस वक्त था, किस टाइम था, वो आपने पढ़ना है। यहाँ पे डिफरेंट टेररिस्ट आउटफिट्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे रीजन को, तो आपने इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी किया। फिर इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मौजूद होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकता है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टेट्स, एक्सटर्नल एक्टर्स में स्टेट्स आ जाएंगी, उनको आप डिस्कस करेंगे, उनको आप स्टडी करेंगे, उनको आप प्रिपेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल एक्टर्स में USA है, एक्सटर्नल एक्टर्स में आपके पास इंडिया है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। फिर हाउ इंडियाज प्रेजेंस इन अफगानिस्तान इज़ थ्रेटनिंग द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये आपने इसके साथ कनेक्ट करके स्टडी किया। फिर इसके साथ आपके पास ये रीजनल डायमेंशंस हैं जो कि इसी टॉपिक के साथ आप लिंक करके प्रिपेयर करेंगे, तो ये हमारे पास सेकेंड डायमेंशन है। अभी हम ये टॉपिक्स कवर नहीं कर रहे, अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस को कवर नहीं कर रहे, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप कोई टॉपिक बनाएंगे, कोई भी टॉपिक आपने चूज़ किया उसको आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो उसकी डायमेंशंस पहले बनाएंगे। सबसे पहले हम डायमेंशंस बनाएंगे, मतलब कि हम आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बनाने के बाद फिर हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर उस टॉपिक को हम तैयार करते हैं, उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं, नोट्स की फॉर्म में उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आउटलाइन है मेयरली। अब हर टॉपिक को, हर इस एस्पेक्ट को आपने डिटेल में तैयार करना है, और तैयार करने के बाद आपका ये टॉपिक 360 में कवर हो जाएगा। फिर पेपर में आपके पास कोई भी सवाल आ जाए आप उसको इजीली टैकल कर पाएंगे। थर्ड हमारे पास जो स्टेप है, थर्ड जो टॉपिक है, डायमेंशन है हमारे पास, दैट इज़ अफगान कॉन्फ्लिक्ट एंड रीजनल सिक्योरिटी। हाउ अफगान कॉन्फ्लिक्ट इज़ अंडरमाइनिंग रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल अपराटस यहाँ पे कैसे थ्रेटन हो रहा है या फिर अंडरमाइन हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को किस तरह से अफगान इशू ने हैम्पर किया या फिर अरेस्ट किया है, या फिर यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, उसके लिए एक रीज़न हमारे पास अफगान कॉन्फ्लिक्ट भी मौजूद है। तो इस तरह से इट विल बी योर थर्ड डायमेंशन। आपने वन बाय वन हर डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको कवर करना है प्रॉपरली। अब यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी जो है, यहाँ पर अगेन आप यहाँ पे स्टेट एक्टर्स का रोल डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अफगानिस्तान में रशिया का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं। USA की विदड्रॉल के बाद चाइना के पास अब कौन कौन से विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो चुके हैं, ये आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन है, दैट इज़ पोस्ट विदड्रॉल सिनेरियो। पोस्ट विदड्रॉल सिनेरियो में अब हमारे पास जो टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि पोस्ट विदड्रॉल सिनेरियो में अब पाकिस्तान और USA के रिलेशंस किस तरह के होंगे, ख़राब होंगे, बेहतर होंगे, किस तरह के रिलेशंस होंगे। क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि पाकिस्तान और USA के जो रिलेशंस हैं उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कहाँ पे है। कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें तो वो हमेशा से हम कह सकते हैं कि वो अफगानिस्तान इशू से रिलेटेड है। अगर USA को नीड है कोई भी तो उसके लिए जो है पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है इन अफगानिस्तान। अब क्योंकि USA ने पुल आउट कर लिया फ्रॉम अफगानिस्तान, तो अब यहाँ पे कन्वर्जेंस कम होते हुए हमें नज़र आती है, क्योंकि हमारे जो टाइज़ हैं USA के साथ वो इतने डीप नहीं हुए जिस तरह के इंडिया के जो है टाइज़ USA के साथ डीप हैं और इंटीग्रेटेड हैं, और उसमें स्ट्रेटजिक एक पार्टनरशिप बिल्ड की है। पाकिस्तान अभी तक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप USA के साथ बिल्ड नहीं कर पाई, रादर वी कैन से दैट के पाकिस्तान एंड USA शेयर अनईजी रिलेशनशिप, और उसमें पाकिस्तान और USA के रिलेशंस को आप डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से पोस्ट विद्रॉल सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस कौन से मौजूद हैं, क्योंकि अब USA ने पुल आउट कर लिया है फ्रॉम अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए अब फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस रीजन में कौन से हैं। बिकॉज अब इससे जो है ये हो जाता है कि एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, पुल आउट के बाद पावर वैक्यूम हो गया, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होते हुए जा रही होती होते हमें नज़र आ रही है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है, हर पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ आपने कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद आपने उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन है पीस बिल्डिंग अप्रोचेज इन अफगानिस्तान। अब क्योंकि अफगानिस्तान में जो क्योस क्रिएट हुआ है, जो टर्मोइल आया है वहाँ पे,
उसके लिए हम अब पीस को रिस्टोर कैसे करें, वहाँ पे अब हम कैसे इंश्योर करें कि यहाँ पे पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे और यहाँ पर कोई भी क्योस क्रिएट ना हो या फिर अनरेस्ट क्रिएट ना हो, तो उसके लिए पीस बिल्डिंग अप्रोचेस वो आपने प्रिपेयर करना है। इसमें कुछ टॉपिक में इसमें जो टच आ जाता है वो आईआर का भी आ जाता है। रीजनल डायमेंशन हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेमी डायमेंशन है, दैट इज़ अवॉइडिंग डिजास्टर इन अफगानिस्तान। इट मीन्स के नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, के इशू तो हमने डिस्कस कर लिया कि इशू क्या है, अब सॉल्यूशंस क्या हैं, अब किस तरह से अफगानिस्तान इशू को टैकल किया जा सकता है, किस तरह से जो इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज क्रिएट हो रहे हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करें, किस तरह से जो पावर वैक्यूम है या फिर अनरेस्ट है या फिर अंडर डेवलपमेंट है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स है, न्यू एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको हम कैसे टैकल करें, उस इशू को हम किस तरह से डील करें, ये आप सारा डिस्कस करेंगे। अवॉइडिंग डिजास्टर इन अफगानिस्तान, इट मीन्स के अब आप यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात कर रहे होंगे। सॉल्यूशंस को डिस्कस करने के बाद हमारे पास एक और डायमेंशन है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट डायमेंशन विल बी फ्यूचर। अब फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने कोई भी टॉपिक एक पिक किया, चाहे वो अफगान इशू हो या फिर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हो या फिर कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन इंडो पैसिफिक रीजन हो या फिर पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबर्स और यूएसए या फिर वॉर ऑन टेरर टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आपके पास हो करंट अफेयर्स का, चाहे वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो या रशिया यूक्रेन इशू हो, कोई भी टॉपिक हो, आपने वो टॉपिक पिक किया, उस टॉपिक की आउटलाइन बनाई, उसके सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए कि इसके कौन कौन से डायमेंशंस बन सकते हैं, वो डायमेंशंस आपने बना लिए, उसके बाद आप एक एक डायमेंशन को सॉल्व करेंगे, एक एक डायमेंशन को आप डिटेल में कवर कर रहे होंगे। इस तरह से अगर आपने किसी भी टॉपिक को करंट अफेयर्स के तैयार किया है तो फिर पेपर में कोई भी सवाल आ जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब ये एग्जामिनर के ऊपर है कि वो ये भी पूछ सकता है कि पोस्ट विथड्रॉल सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस कौन से हैं, एक ये सवाल बन सकता है, या फिर ये सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अब पोस्ट विथड्रॉल सिनेरियो में आप ये बताएं कि पाकिस्तान और यूएसए की रिलेशनशिप जो है, पाक यूएस रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कैसे होगा, ये सवाल आ सकता है, या फिर ये सवाल आ सकता है कि अफगानिस्तान इशू के बाद अब जो रीजनल सिक्योर पोस्ट विथड्रॉल सिनेरियो के बाद रीजनल सिक्योरिटी है वो जो अंडरमाइन हो रही है उसको कैसे टैकल किया जाए, ये सवाल आपके पास आ सकता है, या फिर ये सवाल बनाया जा सकता है कि अब यहाँ पे इंक्रीज्ड रोल जो इंडिया का है उसको कैसे हम जो है ओवरकम करें, ये आपके पास एक डायमेंशन आ सकती है। कोई भी एग्जामिनर आपसे एक डायमेंशन पे सवाल पूछ सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अब कैसे जो है अफगान इशू में जो क्राइसिस क्रिएट हुए हैं उसका सोल्यूशन क्या है, तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं डिजास्टर इन अफगानिस्तान, किस तरह से अब हम उसको डेवलप कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हम फ्यूचर में इस तरह की क्राइसिस को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल ये आपसे पूछा जा सकता है कि अब पीस बिल्डिंग अप्रोचेस बताएं अफगानिस्तान में, तो कोई भी एक डायमेंशन लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर दो डायमेंशन बना के आपसे एक पूछा जा सकता है एक प्रॉपर सवाल 20 मार्क्स का। तो इस तरह से आपने ओवरऑल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करना है। आज के लिए इतना ही। लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, टॉर्च बेरर सीएसएस एकेडमी ने ऑन कैंपस सेमिनार अनाउंस किया है ऑन जुलाई 16 एट 4 पीएम। अगर आप ये सेमिनार अटेंड करना चाह रहे हैं तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।